भाई साहब, ये सवाल है इनका कि प्लीज़ सजेस्ट सोर्स टू चेक द हदीस रेफरेंसेस प्रेफरेबली ऑनलाइन। मेरा ख्याल है कि इसके बहुत से सॉफ्टवेयर अब वजूद में आ गए हैं, तो आप इनको जो है सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये अपना एड्रेस दे दें तो इनको दे दें, उसका पता कर लें। कार्ड ले, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर वजूद में आ गए हैं। एक आलिम ने बड़ा अच्छा तबसरा किया, हदीस के बड़े आलिम को हमारे यहाँ शेखुल हदीस कहा जाता है मदरसों में, तो एक आलिम ने ये कहा कि मैं आपको बताता हूँ इस ज़माने का सबसे बड़ा शेखुल हदीस कौन है। तो लोगों ने ताज्जुब से पूछा, उनका गूगल। हम अपने इदारे में कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, आप अगर रबते में रहेंगे तो फिर मैं आपको उसमें तीन चार बहुत गैर मामूली हैं, क्योंकि मैं तो इस वक्त ख़ुद हदीस ही के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ अलबयान की तकमील के बाद, तो मेरे जो मुआविनीन हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बारे में आप चाहेंगे तो बता देंगे। एक और सवाल है जी कि कैन यू रिकमेंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ कुरान फॉर किड्स। फॉर किड्स, ये वाकई एक अहम सवाल है। देखिए, बच्चों को तो पूरा कुरान मजीद नहीं दिया जा सकता, लेकिन पहली मर्तबा ये सवाल मेरे सामने है, और इसके साथ ही ये ख्याल भी आया है कि कुरान मजीद का बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा खूबसूरत इंतखाब करना चाहिए उन मकामात का, और उसकी ट्रांसलेशन उनको देनी चाहिए। बैसियत मजमू इस वक्त तक जो अंग्रेज़ी ज़ुबान के तर्जमे मेरी नज़र से गुजरे हैं, उनमें सबसे अच्छा तर्जमा एन जे दाऊद का है, और ये एक यहूदी। एन जे दाऊद, ये पहले उन्होंने कुरान मजीद की तरतीब बदल के छापा था, फिर उन्हें तवज्जो दिलाई गई तो अब उन्होंने तरतीब से कर दिया उसको। अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी है उस शख्स की, और अरबी भी बहुत अच्छी। हम सब